एमसीडी के मेयर चुनाव की, क्योंकि मेयर चुनाव पर अब एक और तारीख मिल गई है और यह तारीख है 16 फरवरी। दिल्ली में अब मेयर चुनाव 16 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की ओर से मेयर चुनाव 16 फरवरी को कराने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया था और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। यहां पर आपको समझना होगा कि इस तारीख का प्रस्ताव एमसीडी ने दिया है। एमसीडी यानी कि जो इस वक्त अधिकारी एमसीडी चला रहे हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दिया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एलजी के पास, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास 13 या फिर 14 फरवरी को एमसीडी मेयर इलेक्शन, डिप्टी मेयर इलेक्शन और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के इलेक्शन संपन्न कराने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के बाद एमसीडी ने 16 फरवरी को सदन की कार्यवाही बुलाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा। अब इसे दिल्ली सरकार ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव कराने के लिए अब ये चौथी तारीख मिली है। पहली तारीख आपको याद होगी 6 जनवरी, दूसरी थी 24 जनवरी, तीसरी थी 6 फरवरी और तीनों ही तारीखों में सदन भी बुलाया गया, बैठक बुलाई गई, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर नहीं मिल पाए। लेकिन अब एक और चौथी तारीख मिली है और तारीख 16 फरवरी 2023। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, तारीख पर तारीख और ये चौथी तारीख है, चौथी तारीख में अब तारीख के अलावा और क्या क्या बदला नजर आएगा? देखिए, दिल्ली एमसीडी ने 16 फरवरी की तारीख का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है कि इस तारीख पर चौथी बार सदन की कार्रवाई बुलाई जाए और जो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव है वो संपन्न कराया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने स्वीकार कर लिया है और आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने 13 फरवरी और 14 फरवरी को मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए एलजी को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसी दौरान ये प्रस्ताव एमसीडी की तरफ से दिल्ली सरकार के पास भेजा गया, जिसे दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर सैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके दिल्ली सरकार, एलजी, एमसीडी और पीठासीन अधिकारी को ये निर्देश दिए हैं कि सोमवार यानी 13 फरवरी तक आप सभी लोग अपने जवाब को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराएं, ताकि हम सभी के पक्ष को सुनने के बाद कोई निर्णय ले सके। और इसी दौरान एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, क्योंकि जब पहली बार मेयर प्रत्याशी डॉक्टर सैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब भी तारीख का ऐलान हो गया था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर हम सभी पक्षों की सुनवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मेयर का चुनाव रोकना पड़ेगा। और यही वजह है कि जो डॉक्टर सैली ओबराय थी उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। फिर जो याचिका है इस पर सुनवाई 13 फरवरी को होगी। बलराम, एक चीज आपसे मैं समझना चाहता हूं और दर्शकों को आपके माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने 13-14 फरवरी का प्रस्ताव रखा उपराज्यपाल के सामने, लेकिन एमसीडी ने प्रस्ताव रखा दिल्ली सरकार के सामने, तो क्या 16 फरवरी की तारीख पर एलजी की ओर से मुहर लगनी शेष नहीं रह गई है? देखिए, आपको बता दें, जो प्रक्रिया है वो यही है कि सबसे पहले जो सदन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है वो एमसीडी की तरफ से भेजा जाता है सरकार को, और यही प्रक्रिया इस बार एमसीडी ने अपनाई है। सबसे पहले उसने दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि 16 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाए, उसकी स्वीकृति दिल्ली सरकार ने दे दी है और उस प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा जाएगा। नॉर्मली कि सरकार ने इस पर अप्रूवल दे दिया है तो उस पर एलजी सहमति जता देते हैं, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन पिछली बार देखा गया था कि चाहे वो 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई हो, चाहे 24 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई हो, चाहे 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई हो, वो सीधे एलजी की तरफ से आता था। हालांकि सरकार बार बार तारीख भेजती थी, प्रस्ताव भेजती थी कि इस तारीख को चुनाव संपन्न कराया जाए क्योंकि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द मेयर मिले। हालांकि अब 16 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है एमसीडी की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि
16 फरवरी को दिल्ली की जनता को मेयर मिल पाता है या फिर जिस तरीके से तीन बार सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी है उसी तरह से चौथी बार भी एमसीडी में हंगामा देखने को मिलता है। बिल्कुल, और बलराम जिस तरह से आपने मुझे बताया कि उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में भी बहुत सारी बातें आती है, तो अभी तो ये भी देखना जरूरी होगा कि कहीं उपराज्यपाल की और दिल्ली सरकार की खींचतान में कहीं इस तारीख को लेकर भी कोई मतभेद न हो जाए और ये चुनाव शायद तब भी संपन्न न हो, ऐसा ना हो। उम्मीद हम यही करते हैं कि 16 फरवरी को कम से कम दिल्ली को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य मिल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक तरफ जहां मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जहां सोमवार को इस पर सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ चौथी बार मेयर चुनाव की तारीख मिल गई है और वो तारीख है 16 फरवरी। देखिए, चार तस्वीरों के माध्यम से आपको मेयर चुनाव की वो जो तस्वीरें थी चार अलग अलग, वो आपको दिखा देते हैं कि कैसा मेयर चुनाव दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव होना था लेकिन सदन में हंगामे की वजह से यह चुनाव टल गया 6 जनवरी को। फिर तारीख आती है 24 जनवरी, दूसरी बार मेयर चुनाव फिर टल जाता है, कारण हंगामा। ठीक इसी तरह 6 फरवरी को तीसरी बार चुनाव टलता है, कारण हंगामा। चौथी बार 16 फरवरी की तारीख दिल्ली को मेयर मिलने की उम्मीद, अब उम्मीद करें या ना करें यह इन तीन तस्वीरों से स्पष्ट होता है। आपको यह बताना भी जरूरी है कि मेयर पद के उम्मीदवार कौन है। देखिए, डॉक्टर शैली ओबेरॉय है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, यह आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद के उम्मीदवार है, वार्ड नंबर 86 से पार्षद है और पेशे से एक प्रोफेसर है। बात करें बीजेपी की मेयर उम्मीदवार की तो वो है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है और बीजेपी के ओर से वो शालीमार बाग वार्ड से जीत कर आई है बीजेपी के टिकट पर। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही है रेखा गुप्ता। और मेयर के साथ ही आपको डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों की तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए, आलिम मोहम्मद इकबाल जो कि डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, ये आते हैं मटिया महल से ये पार्षद हैं और सबसे ज्यादा मतांतर से जीतने वाले पार्षद भी हैं पूरे दिल्ली में। इसके अलावा बीजेपी से डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं कमल बागड़ी रामनगर से पार्षद हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं।